ओके तो आज का टॉपिक है सेक्शन 6 रेस गेस्टे. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेस गेस्टे? जनरली फैक्ट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन. फैक्ट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन. जो भी घटना हुई है अगर उसके सेम ट्रांजैक्शन में कुछ और घटनाएं हुई हैं तो वो भी सारे क्या हो जाएंगी? रिलेवेंट हो जाएंगी. ओके कोई भी फैक्ट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन. ओके कोई भी घटना होती है तो उसके घटना के दौरान कुछ होता है, उसके जस्ट पहले कुछ होता है, उसके जस्ट बाद कुछ होता है. ओके ऑल आर रिलेटेड टू ईच अदर ना. तो जितने भी फैक्ट हैं एक दूसरे से रिलेटेड हैं दैट इज रिलेवेंट. इसी को हम बोलते हैं फैक्ट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन. फैक्ट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन. ओके देखिए अकॉर्डिंग टू सेक्शन 6 फैक्ट विच दो और नॉट इन इशू आर सो कनेक्टेड विथ फैक्ट इन इशू. भले ही फैक्ट इन इशू नहीं है बट दे आर कनेक्टेड इन द टू द फैक्ट इन इशू. क्या होंगे ऐसे फैक्ट? दे आर कनेक्टेड टू द फैक्ट इन इशू. दे आर नॉट द फैक्ट इन इशू बट दे आर कनेक्टेड टू द फैक्ट इन इशू एज टू फॉर्म पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन आर रिलेवेंट वेदर दे अकर्ड एट द सेम टाइम एंड प्लेस और एट डिफरेंट टाइम्स एंड प्लेस. देखो सारी चीजें इन्होंने इतने में कह डाली है. पहली बात ये बोल रहे हैं कि भले कोई ऐसा फैक्ट है जो कि फैक्ट इन इशू नहीं है, जो कि फैक्ट इन इशू नहीं है बट फैक्ट इन इशू से क्या है? कनेक्टेड है, कनेक्टेड विद द फैक्ट इन इशू. सब सेम ट्रांजेक्शन में माना जाएगा और रिलेवेंट वेदर दे अकर्ड. वो घटना जो बाद की जो फैक्ट है वो या तो सेम टाइम में हैपन हुआ हो, वो घटित कब हुई हो, फैक्ट इन इशू के होते टाइम घटित हुई हो या उसके बाद में घटित हुई हो या उसी स्थान पर हुई हो या किसी दूसरे स्थान पर हुई हो. ऑल आर इन द सेम ट्रांजेक्शन एंड ऑल आर द सेम ट्रांजेक्शन. सारे क्या हो जाएंगे? सेम ट्रांजेक्शन में आ जाएंगे. ओके देखो कोई भी घटना होती है जैसे इसका इलस्ट्रेशन आप देखोगे ना तो इलस्ट्रेशन में आप देखोगे कि फर्स्ट इलस्ट्रेशन दे रहा है कि ए इज एक्यूज ऑफ मर्डर ऑफ बीइंग बाय बीटिंग. ए पर क्या आरोप है? कि उसने बी को पीट पीट के मार डाला. ओके तो उसमें सारे अब फैक्ट इन इशू क्या है कि ए ने क्या किया? बी की हत्या करी. तो ऐसे में क्या होगा कि जितने भी ए ने बी से क्या बोला, बी ने ए से क्या बोला, ओके उसको अगर ए पीट रहा है तो उस समय कुछ बोल रहा होगा, बी भी कुछ बोल रहा होगा. तो ऑल आर इन द सेम ट्रांजेक्शन. वहां कुछ लोग खड़े होंगे वो कुछ बोलेंगे. ओके वो भी क्या हो जाएगा? सेम ट्रांजेक्शन में आएगा. ओके अब सपोज करो कि ए बी जो भी है आप इलस्ट्रेशन देखोगे कि ए इस पर क्या है आरोप है बी को पीटने का, पीट पीट के मारने का. अब यहां पर इतने सारे लोग खड़े होंगे जो भी ये सारे लोग इसको देख रहे होंगे ना तो ये कुछ बोलेंगे ना या ये मारते हुए पीटते हुए कुछ बोलेगा, बी कुछ बोलेगा. ऑल आर इन द सेम ट्रांजेक्शन. ओके तो यहां पे सारी चीजें क्या हो जाएंगी? रिलेवेंट हो जाएंगी. ओके सेकेंड जो दूसरा इलस्ट्रेशन है उसमें क्या है कि सपोज करो कि ए कोई भी बंदा है ए बी सी. यहां पर इसके लिए उन्होंने बताया है कि या तो वो सेम टाइम में या सेम जगह पर दूसरी घटना हुई हो या दूसरे टाइम में और दूसरे स्थान पर हुई हो. सपोज करो ए पे आरोप है, क्या आरोप है? वेजिंग वॉर अगेंस्ट द कंट्री. वेजिंग वॉर अगेंस्ट द कंट्री. ए पे क्या आरोप है? कंट्री के अगेंस्ट
वॉर करने का। तो अब यहाँ पे सपोज करो ये डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस हैं, ओके, चार पांच प्लेसेस हैं, यहाँ पे हथियार कलेक्ट हुआ, ओके, यहाँ पे जो ट्रूप्स हैं उन पर अटैक हुआ है, ओके, यहाँ पे कोई सरकारी या निजी संपत्ति को क्षति पहुँचाई गई है, और एक दूसरा प्लेस है यहाँ से एक वारिस्ट किया गया है कॉन्स्पिरेसी के लिए। तो यहाँ ये सारी चीज़ें, अब कोई भी वॉर करेगा तो कॉन्स्पिरेसी तो करेगा ना, एक आदमी तो होगा नहीं उसमें, तो घटनाएं अलग अलग होंगी, बट क्या है, वेजिंग वॉर अगेंस्ट द कंट्री, ए पर क्या आरोप है। तो जो भी ये सारी घटनाएं हैं क्या है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है, तो ये क्या आ जाएगा, सेम ट्रांजेक्शन में आ जाएगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, रेस गेस्से, कि फॉर्मिंग सेम ट्रांजेक्शन। कोई भी एक घटना अकेली नहीं होती, ठीक है, सेम ट्रांजेक्शन में होनी चाहिए, तो सारी चीजें क्या हो जाएंगी, रिलेवेंट हो जाएंगी। ओके, जैसे एक केस बताता हूं आपको, आर वर्सेस फोस्टर, पुराना केस है, उसमें क्या हुआ था कि जो आई विटनेस था उसने सिर्फ देखा, एक्सीडेंट नहीं देखा, आई विटनेस ने क्या देखा, एक स्पीडिंग कार, एक कार को भागते हुए देखा, और जब वो घटनास्थल पर पहुंचा तो वहां पे उसको जो विक्टिम था उसने उसको बताया कि क्या हुआ है, और मुझे इस गाड़ी ने एक्सीडेंट किया है, मुझे ठोकर मारी है, ठीक है। वहाँ हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने बोला कि भले ही उसने एक्सीडेंट नहीं देखा विटनेस ने, लेकिन उसको विक्टिम ने तुरंत, उसने तुरंत ही पहुंच गया, तो क्या हो जाएगा, सेम ट्रांजेक्शन में माना जाएगा। ओके, और भी सारे केसेस हैं जो कि बाद में बताएंगे, टाइम कम है। ओके, तो ये सेम ट्रांजेक्शन का छोटा सा एग्जाम्पल है। ओके।